नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। कैबिनेट मंत्रियों को विभाग भी दिए जा चुके हैं। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी। इसके पीछे की वजह वीआईपी सुप्रीमो ने खुद बताई। सोमवार को एक बयान जारी करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं, जो हमारे संविधान को समाप्त करने की सोच रखता है। निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई नहीं। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो भाईचारे को समाप्त करने की सोच रखता हो। मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो जनता की चुनी सरकार को रातों रात गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। सैनी ने आगे कहा, मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जिसने मछुआरे के बेटे 4 विधायक खरीद लिए। गरीब पिछड़ा के हक अधिकार को दूसरों में बांटने वाले और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को कुचलने वाले तथा आरक्षण को खत्म करने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं। अंत में मुकेश सैनी ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद आरक्षण का वादा कर ले और फिर मुकर जाए। ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो एक मछुआरे के बेटे को रात दिन खत्म करने की सोच रखता हो। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं। कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं को 22 साल में रिटायर कराने की योजना लाया हो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।